नमस्कार, वक्त इंडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। कश्मीर घाटी में एक और पॉलिटिकल किलिंग जो है वो सामने आ रही है। खानपुर का रहने वाले एक नायब सरपंच जो है उनकी हत्या जो है आतंकियों ने की है। इस तरह की जानकारी जो है वक्त इंडिया के पास आ रही है, क्योंकि एक ऑडियो वायरल हुआ है कश्मीर घाटी में, जिसमें संदिग्ध आतंकवादी जो कह रहे हैं कि उन्होंने एक नायब सरपंच को उठाया था और उनकी हत्या कर दी है। लेकिन कोविड-19 महामारी जिस तरह से पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लागू है, इसके चलते वो जो शव है नायब सरपंच का उनके परिवार को नहीं सौंप सकते हैं। इस तरह का एक ऑडियो मैसेज जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर वायरल है। और शोपियां के चाकूरा इलाके से जो बताया जा रहा है कि इनकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है, क्योंकि ये शोपियां आए हुए थे और वहीं पर जो है शोपियां और पुलवामा के बीच में जो साउथ कश्मीर का इलाका पड़ता है, वहीं से इनकी किडनैपिंग 2 दिन पहले हुई है। 2 दिन से इनकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी, पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। इसी बीच जो है ये ऑडियो मैसेज वायरल हुआ है कश्मीर घाटी में, जिसमें ये आतंकी जो है इस बात को कबूल रहे हैं कि उन्होंने एक शख्स को उठाया है और उसकी हत्या कर दी है और उनका शव जो है उनके परिवार वालों को नहीं सौंपा जाएगा। कश्मीर घाटी में अगर हम पिछले 2-3 महीनों की बात करें तो एक सीरीज ऑफ किलिंग जो है, जो खास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एफिलेटेड लोग हैं, चाहे वो पंच हो चाहे वो सरपंच हो, इन लोगों की हत्या हुई है। बांडीपुरा में जैसे हमने देखा कि शेख वसीम बारी जो बांडीपुरा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उनके पिता के उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी, और उसमें सज्जाद उर्फ हैदर जो आतंकी लश्कर तोहबा का हाल ही में बारामूला में जो मारा गया उसका हाथ बताया जा रहा है। इससे पहले जिस तरह से साउथ कश्मीर में कांग्रेस के एक सरपंच जो हैं उनकी हत्या की गई, और ऐसे सीरीज ऑफ जो इंसिडेंट हैं वो लगातार सामने आई हैं। और अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि जितने भी पंच और सरपंचिस जो कश्मीर घाटी में हैं उन्हें फिलहाल सेफ हाउस में रखा गया है ताकि उनकी जान और माल की जो है हिफाजत की जा सके। इस समय भी बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर जो श्रीनगर में है एक मीटिंग चल रही है, जिसमें बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट जो सोफी यूसुफ हैं उस मीटिंग को जो है वो लीड कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर आज हमसे और अधिक चर्चा करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर जो हैं बाली भगत साहब, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन हम इस खबर पर उनसे चर्चा करें, पहले हम आपको वो वायरल ऑडियो जो है वो सुना देते हैं कि आखिरकार क्या कुछ आतंकियों ने इस ऑडियो मैसेज के द्वारा दावे किए हैं। कश्मीर में ताकूत के हामी व मददगार हैं, हम इन्हें हमेशा से हरकतों से बाज रहने की सलाह देते आए हैं। आज तक न जाने कितने मुजाहिदीन भाइयों ने खुसूसन इस बारे में बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक वो लोग इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी जुर्म की पैदाइश में हमने इस्लाम के एक दुश्मन को उठाया है। इसके बारे में हमें बड़ी मुद्दत से शिकायत मौसूल होती रही। बिलाखिर तमाम सबूत जमा होने के बाद उन्हें इसको उठाया और उसके हरकतों के इवज उसको उसके अंजाम तक पहुँचा दिया। हम उसके वालिदैन और मजीद अहल खाना के दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम इसकी लाश इसके घर वालों को न दे सकें ताकि जनाजा पे लोगों की भीड़ जमा ना हो। और ठीक इसी तरह इस तरह हमारे शहीद मुजाहिद भाइयों को नामालूम जगहों पर दफनाया जाता है, इसलिए हमने इसकी खुद अदा की है। आखिर पे हम तागूत के तमाम अहलकारों को, चाहे पुलिस, एसटीएफ, आर्मी, सीआईडी, सीबीआई या हकीर मफादात के लिए मुजाहिदीन की मुखबिरी करने वाले हो या सियासी सतह पर तागूत की आबियारी करने वाले हो, सियासतदान हो, पंच और सरपंच हो या किसी और सतह पर तागूत के पंजे मजबूत करने वाली तंजीमों, बिलखसूस बीजेपी, पीडीपी, कांग्रेस, एनसी के वर्कर हो, इंशाअल्लाह आज के बाद किसी का इस्तीफा अब कबूल नहीं किया जाएगा। आज के बाद चाहे कोई माफ़ी मांगे या इस्तीफा दे, उसे हर हाल में मरना होगा। और जिसको भी घर या बाहर से उठाया जाएगा, उसकी लाश उसके घर वालों को नहीं दी जाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हर दिन एक एक दिन इस्लाम का दुश्मन गायब होता रहेगा। तो आपने सुना इस वायरल ऑडियो के बीच में जो अननोन आतंकी हैं, जिन्होंने ना अपनी शिनाख्त
को बताया है, ना ही अपने तंजीम के बारे में कुछ बताया है। ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने एक पॉलिटिकल लीडर को अगवा किया था 2 दिन पहले और उसकी हत्या कर दी है। और आगे भी इस ऑडियो वायरल में जिस तरह से वो धमकी दे रहे हैं कि जितने भी राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े हुए पंच हैं, सरपंच हैं या फिर राजनीतिक पार्टियों के साथ एफिलेटेड लोग हैं, उनको एक एक कर इसी तरह से कश्मीर घाटी से गायब किया जाएगा, क्योंकि ये उन्हें मंजूर नहीं होगा कि कश्मीर घाटी के अंदर जमहूरियत पनपे और फले और फूले। इस पर और चर्चा करने के लिए बाली भगत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाली जी, बहुत बहुत स्वागत है वक्त इंडिया में, सबसे पहले आपका। बाली जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से, अगर हम जुलाई और अगस्त की बात करें, तो एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट की शुरुआत हुई है, जिस तरह से आतंकवादी राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको एक एक कर निशाना बना रहे हैं, खासतौर पर पंच और सरपंचिस जो हाल ही में चुनकर कश्मीर घाटी में आए हैं, उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी स्थिति को? देखिए, पिछले लगभग कहूँगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी घाटी के अंदर क्लीन टेररिस्ट ऑपरेशन जो हैं वो शुरू किए हैं, बॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किए हैं जी, आप देखते हैं कि कभी 10 में 10-15 आतंकवादी भी मारे गए जी, और लगभग आतंकवादियों का इस घाटी के अंदर खात्मा होने वाला है जी। ये इस तरीके की घटना जो आतंकवादी कर रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन में और डेस्परेशन में कर रहे हैं, निराश हैं, हताश हैं, एक जिसको ये जहाद कहते हैं, अब तो इसको इस्लामिक टेररिज्म कह रहे हैं जी। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, वो अपनी लड़ाई जो है वो हार चुका है जी, और लास्ट पे इस तरीके की घटनाएं करने के निहत्थे लोगों को, उनको किडनैप करना, उनकी किलिंग करना, ये आज की वीडियो तो मैंने भी सुनी थी जी, लेकिन अभी इस वीडियो के बारे में जांच एजेंसियां जो हैं जी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं, वो इसकी जांच करने के बाद ही सारा ब्यौरा देंगे जी। लेकिन कश्मीर के अंदर तरीके की घटना ये कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं जी, इस तरीके की आशंका है। और जम्मू कश्मीर की अभी जो माननीय राज्यपाल महोदय है जी, उनसे पहले भी उनकी नोटिस में, उनके संज्ञान में ये बात लाई गई है हाँ जी, कि जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जी, विशेष करके ये जो इलेक्टेड पंचेस हैं, सरपंचेस हैं जी, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इसके लिए पार्टी ने बात की भी है। और यह भी जानकारी है कि बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है, इलेक्टेड एक्टिविस्ट हैं, जिनको थर्ड परसेप्शन है जी, उनको कहीं से प्लेस पे पहुंचाया गया है जी, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी जी, उस प्रकार की व्यवस्था अभी नहीं हो पा रही है जी, और ये दोनों ही काम जो है वो एक और पैरेलल तरीके से करना पड़ेगा कि ऑपरेशंस भी, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस भी करें जी, लेकिन कोई सिविलियन, कोई इलेक्टेड पंच सरपंच, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का है जी, उसको सुरक्षा देना वो भी सरकार की जिम्मेवारी। बाली जी, अजय पंडिता जो कांग्रेस के एक सरपंच थे, उनकी हत्या से ये सिलसिला की दोबारा से शुरुआत हुई थी कश्मीर घाटी के अंदर, और पीछे अगर हम देखें तो 2 महीने में करीबन ये 9वीं ऐसी घटना है जिसमें ज़्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के पंच सरपंच जो हैं वो निशाने पर आए हैं। आपको क्या लग रहा है कि आखिरकार, आपने कहा कि जिस तरह से ये फ्रस्ट्रेशन तो है ही है, लेकिन अब जिस तरह से वो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं, और उसको देख कर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियों के साथ एफिलेटेड लोग हैं वो इस्तीफा भी दे रहे हैं, क्योंकि लगातार इस्तीफा देने के सामने आ रही है, तो एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है आतंकवादियों की तरफ से कश्मीर घाटी में एक बार दोबारा से? देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक संयोजित तरीके से ये सारा आतंकवाद को इसको यहाँ घाटी के अंदर फैलाया गया था जी, और लगभग 30 से भी ज्यादा समय हो गया जी, जिस बात पे वो एक्सप्लाइट करते थे कि कश्मीरियों की सेपरेट आइडेंटिटी है, आपका सेपरेट स्टेटस है, आपकी
जो इंटेग्रिटी इंटेग्रेशन जो टोटल है वो इंडिया के साथ नहीं है जी, वो सारा समाप्त हुआ हुँ. और वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होते हुँ. जिस तरीके से जिसको हम कहते थे कि एक साइकोलॉजिकल एक जो बैरियर था हुँ. जिसको लेके एक्सप्लाइट पाकिस्तान ने किया या मजहब के नाम से लोगों पर एक्सप्लाइट कर रहे थे जी. वो 370 आर्टिकल 35 है उसको समाप्त करने के बाद जी. इनको लगता है पाकिस्तानी आतंकवादियों को हुँ. कि भाई यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी और विशेष करके एक राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी जी. जो हमारी इस जिस आजादी का ये सपना देख रहे थे उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है, इनका कोई भविष्य नहीं है जी. इन्होंने जितनी हत्याएं की है हजारों के हिसाब से इन सिविलियंस की हत्या की है जी. और आप ये भी देखें कि जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के ऐसे नेता थे जी. जो ये कहते थे कि 370 अगर हटाएंगे क्या तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं है. हाँ जी. आप देख रहे हैं उसी घाटी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जी पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद जगह जगह पर तिरंगा लेके प्रोग्राम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और 370 हटने का स्वागत कर रहे हैं और आम जनता भी इसका कर रही है जी. आम जनता ने इसका स्वागत किया था कि ये पॉलिटिकल लीडर्स कुछ जो थे जी. उनको अंदर किया गया था जी. लेकिन एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा जी. कि अभी दो दिन पहले जी कुछ राजनीतिक दल फिर इकट्ठे हो गए. हाँ जी हाँ जी. उसके 370 को लेके किसको रेस्टोर कराएंगे? पहले कहते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी इसको समाप्त करेगी, इसलिए लोगों को डराते थे जी. अब इन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, अब ये लोगों को बता रहे हैं कि 370 को हम रेस्टोर कराएंगे. यानी कश्मीर की एक आम जनता को एक्सप्लाइट करने के का कोई भी मौका ये राजनीतिक दल जो है नहीं छोड़ रहे हैं और इस तरीके से फिर लोगों को इन्वेस्टिगेट करना, लोगों को प्रवोक करना, इस तरीके की एक साजिश फिर हो रही है कश्मीर घाटी के राजनीतिक दलों का. हमें इतनी हैरानगी नहीं होती है. लेकिन कांग्रेस पार्टी जो उनके साथ मिलकर ये कहती है कि 370 जो है उसको रेस्टोर कराएंगे जी, 35 को रेस्टोर कराएंगे, उनको सारी देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा और इस तरीके के बयानबाजी से, इस तरीके के वक्तव्य से ऐसी फोर्सेस जो है उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं जो एंटी नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं जी. बिल्कुल सही कहा सर आपने कि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला साहब का ही बयान आया था और पहले जिस तरह से वो ग्रेटर ऑटोनॉमी की मांग को लेकर एक कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन अब वो जो है धारा 370 को दोबारा जम्मू कश्मीर में रिस्टोर कराने की बात जो है उसको लेकर लोगों को बरगलाने और उनको बहकाने की कोशिश जो है उनकी तरफ से की जा रही है. लेकिन परसों की जो मीटिंग हुई थी उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान और सामने आया था. उन्होंने कहा था कि धारा 370 हटने के बाद यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो कुर्बान होने के लिए तैयार थे. ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की जो पार्टियां थी इनकी वजह से जो है उन्होंने रोक कर रखा था उन लोगों को ताकि यहाँ पर इस तरह से खून खराबा ना बढ़े और धारा 370 के बाद हमारी पार्टी जो कश्मीर बेस्ड पार्टियां हैं उनका एक बहुत अहम रोल था यहाँ पर खून खराबा रोकने को लेकर. किस तरह से देखते हैं आप इनके इस पूरे बयान को? देखे कश्मीर की जो राजनीति है, वहाँ के जो राजनीतिक दलों की जो राजनीति है जी, उनका जीना मरना 370 के साथ जी. 370 था तो लोगों को डराते थे कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये समाप्त करेंगे, इकट्ठे हो जाओ जी. अभी इनको सारा समाप्त हो गया जी. अब ये 370 इज अ हिस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर जी. अभी वो इनको ये कह रहे हैं कि भाई हम रेस्टोर कराएंगे, 370 का ही गाना जो है गा रहे हैं, लेकिन हम फारूक अब्दुल्ला को और इनके जो बाकी जो सहयोगी दल हैं जी, जिस तरीके का कि एमलगम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी, उनको ये स्पष्ट शब्दों में संदेश देना चाहता हूँ कि 370 एक हिस्ट्री है, इसको दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो रेस्टोर करने का सपना आप सोचिए जी. बिल्कुल आप को फिर चेतावनी दी जाती है जी. कश्मीर के अंदर माहौल खराब करने की अगर कोशिश करेंगे आपके साथ वही व्यवहार होगा जो 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ था. इसलिए
आप विकास की बात करें, आप लोगों के रोजगार की बात करें, आप डेवलपमेंट की बात करें, आप उस एजेंडे के ऊपर राजनीति करें, यह एंटी इंडिया एक ग्रुप बनाकर इस तरीके की राजनीति करेंगे तो याद रखना, भारत का प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू नहीं है जी, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है जी जी, और वो जो कहते हैं वो करते हैं, करते हैं। जी सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि जिस तरह से जिस मुद्दे को लेकर हमने इस शो की शुरुआत की थी, जो मिलिटेंसी इफेक्टेड लोग जो हैं, खासतौर पर पंच और सरपंचिस, अब जिस तरह से एक डर का माहौल वहां पैदा हुआ है, तो क्या कुछ सुरक्षा, उनके सुरक्षा के लिए जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं, और कुछ क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, और क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे उन पंच सरपंचिस या पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अफिलेटेड लोगों को कि उनको जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए रमन जी, आज सुबह भी मेरी घाटी में बात हुई है, अपने सीनियर लीडर्स के साथ बात हुई है, ये लगभग 350 के लगभग जो हमारे पंचिस, जो सभी पंचिस हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं या बाकी हैं या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड है, क्या वो निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट है जी। इस तरीके की जो ये सरकार ने सूची बनाई है जी। और उनको अपने घरों से उठा के एक बड़े सुरक्षित स्थान के ऊपर जो है जी। वो बिठाने का एक कवायद जो है उन्होंने शुरू की है कि भाई कोई सिक्योरिटी टूल्स में इनको रखा जाए जी। लेकिन वर्करों की ये शिकायत थी कि भाई घर से तो उठा के ले जाते हैं और जहाँ पे रखते हैं वहाँ व्यवस्था नहीं है जी, वहाँ कोई खाने की व्यवस्था नहीं है नहीं। तो इस चीज को एक बार ठीक करने की जरूरत है जी, कि एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन इसको प्रायोरिटी के ऊपर ले, क्योंकि एक एक जान की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा होती है। हम तो चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर किसी सिविलियन की हत्या जी। नहीं होनी चाहिए जी। ये एलजी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और दूसरी जो है, जितने ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं अपनी सुरक्षा का ध्यान उनको हर हालत में रखना ही चाहिए जी। लेकिन देश हम सबका है, इस देश के लिए हम लोग लड़ेंगे, मिलजुल कर लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, हर प्रकार का सहयोग करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को कामयाब नहीं होने देंगे, आतंकवादियों को कामयाब नहीं होने देंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बाली जी, आप वक्त इंडिया के साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सुन रहे थे बाली भगत जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कश्मीर घाटी में एक बार फिर डर का माहौल पैदा करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन निश्चित रूप में जो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं वो धारा 370 टूटने के बाद से ही भारत का तिरंगा झंडा हाथ में थामे हुए अगुवाई कर रहे हैं कश्मीर घाटी के अंदर, वो लोग बेहद बहादुर हैं और इस तरह की घटनाओं से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन एक कंसर्न जरूर है उन लोगों की सुरक्षा को लेकर, और एलजी गवर्नमेंट जो अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार ये कोशिशें कर रही हैं। जिस तरह से जो जानकारी मिली है कि करीबन 350 पंच सरपंच और नायब सरपंच जो हैं उनको सेफ हाउस में जो है वो रखा गया है, ताकि उनको बेहतर सुरक्षा वहाँ प्रदान कराई जा सके और उनकी बेहतरी के लिए आगे के काम किए जा सके। लेकिन एक बात तो जरूर है, जब तक ये जो एक विलेज लेवल की जो पॉलिटिक्स है, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगी, वो मजबूत नहीं होगी, तब तक कश्मीर घाटी में लोकतंत्र को फलने और फूलने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, क्योंकि लगातार आतंकी जो पाकिस्तान के समर्थन के साथ कश्मीर घाटी में अपने आतंक का नंगा नाच खेल रहे हैं, उनकी कोशिश हमेशा से रही है कि कश्मीर घाटी में लोकतंत्र का गला घोटा जाए, लोकतंत्र को पनपने ना दिया जाए। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोग ये समझ चुके हैं और उनका मानना है कि धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय जो है वो अब भारत के साथ हो चुका है, और भारत के साथ ही रहकर वो अपना उज्जवल भविष्य देख सकते हैं। लिहाजा अब कश्मीर घाटी के लोग आतंकियों की धमकियों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ने की राह पर लगे हुए हैं। मेरे साथ अभी तक इतना ही, बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।